हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा है डियर, बॉर्डन प्रेशर गेज। हम आपको बतलाए थे डियर, फ्लूड मैकेनिक्स में जब प्रेशर मेजरमेंट का बात किए थे तो प्रेशर मेजरमेंट के टाइम में बताए थे कि प्रेशर जो है वो फ्लूड का दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक तो आपका बाय यूजिंग मैनोमीटर, है ना, मैनोमीटर यूज करके आप प्रेशर मेजर करते हैं, और एक होता है मैकेनिकल गेजेज डियर, है ना, मैकेनिकल गेजेज, जिसमें आपको बताए थे कि मैकेनिकल गेजेज में जो है वो जनरली जो भी आपका डिफ्लेक्शन होता है, जो भी प्रेशर का वैल्यू, वो जनरली आपका स्प्रिंग यूज करके ये किया जाता है डियर, है ना, स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है। खैर, उसको अभी हम देखेंगे। अब मैकेनिकल गेज में जो है डियर, वो आपको एक बात बतलाए थे, है ना, कि मैकेनिकल गेज में जो है वो आपका डेड वेट वाला होता है डियर। एक बॉर्डन प्रेशर गेज भी बताए थे, डायफार्म बताए थे, बेलोज प्रेशर गेज बताए थे, इस टाइप से उसका टाइप से तीन चार बताए थे डियर आपको। हम प्रीवियस लेक्चर में आप चीज़ों को देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करके बताए थे। उसमें आपको बताए थे कि वन ऑफ द बेस्ट जो है और जिसको अभी के टाइम में भी यूज किया जा रहा है, उस प्रेशर गेज का नाम है बॉर्डन प्रेशर गेज। वहाँ पे चूंकि डियर मैनोमीटर वर्क नहीं करेगा, जहाँ पे ये बॉर्डन प्रेशर गेज को यूज करते हैं, है ना, इसको सी ट्यूब गेज भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये डायग्राम में ही आपको नजर आ रहा है सी जैसा शेप का नजर आ रहा है कि डियर, सी जैसा हुक जैसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो सी जैसा नजर आने की वजह से इसको आप मतलब सी ट्यूब गेज भी बोला जाता है, यानी बॉर्डन प्रेशर गेज, जो साइंटिस्ट के नाम पे था डियर। ये जनरली जो है डियर, ये हाई प्रेशर यानी बॉयलर का हाई प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हम बात करें तो इसमें लिख सकते हैं जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग, जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग, जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई बॉयलर प्रेशर, हाई बॉयलर प्रेशर। आप कहेंगे कि सर तो क्या बॉयलर के अलावा नहीं, जनरली इसको बॉयलर में ही यूज किया जाता है डियर, हाई बॉयलर प्रेशर। देखिए यहाँ पे हाई बॉयलर प्रेशर लिखा है, ये हाई बॉयलर प्रेशर मतलब बॉयलर, है ना, एक बॉयलर, आप थर्मल इंजीनियरिंग में बॉयलर के बारे में जानेंगे, बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल होता है डियर, है ना, जिसमें स्टीम, जिसमें वाटर को जो है नॉर्मल वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, स्टीम हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है। सिंपली आप समझिए, तो आपके घर में जो कुकर है, अभी जब आपको कुछ नहीं पता है तो यहाँ के बारे में आप समझिए, जैसे आपके घर में कुकर है डियर, उसे मान लीजिए आप पानी को डाल दिए और पानी को आप डालते हैं और उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, है ना, एक्सटर्नल हीट जब प्रोवाइड करते हैं वाटर को, तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम और नॉट, गेट्स कन्वर्टेड है कि नहीं, आप देखते हैं, तभी तो डियर सीटी आपका बजने लगता है। क्यों बजा? क्योंकि बॉयलर के अंदर जो है वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और क्या हुआ, वेपर फॉर्म में हो गया, और उसका प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर बाहर रिलीज होना चाहेगा, तो बाहर रिलीज होने के टाइम में ही आपका सीटी बजता है, ऐसा आप समझते हैं, ठीक है। तो उसी को वही प्रेशर मेजर करने के लिए आप कहेंगे कि क्यों सर, क्यों जरूरत पड़ा डियर। देखिए, अपना ट्यूब में भी एयर फिल कराने जाते होंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको प्रेशर मेजरिंग गेज नज़र आता होगा, ठीक है। प्रेशर मेजरिंग गेज आप देखिएगा, इसी टाइप से कुछ दिखता है डियर, ये रॉन्ड सा दिखेगा, उसको उसमें अटैच करता है आपका, है ना, जहाँ से आप रिलीज कर सकते हैं एयर को, ट्यूब का एयर को, तो वहाँ पर अटैच करता है, तो देखिएगा वो प्रेशर मेजर करता है, है ना, प्रेशर मेजर करता है डियर, और जो प्रेशर होना चाहिए उससे बियॉन्ड होता है तो उसको थोड़ा रिलीज कर लेता है, क्योंकि चेक करना जरूरी है ना, तो ट्यूब का एक विदस्टैंडिंग कैपेसिटी होगा कि कितना, हाउ मच प्रेशर इट कैन विदस्टैंड, ओके, क्योंकि वो ब्लास्ट कर सकता है ना डियर, अब ब्लास्ट कर सकता है, बैलून वगैरह को फुलाते मुँह से, अब देखिएगा ऐसे फुलाते रहे एक टाइम में ब्लास्ट कर जाता है, तो क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि उसका एक विदस्टैंडिंग, उसका मटेरियल का कैपेसिटी है कि इतना प्रेशर को ही ये विदस्टैंड कर सकता है, बियर कर सकता है, ओके। चलिए डियर, तो चीज़ें आप समझ रहे हैं, बॉर्डन प्रेशर गेज जो है, एक बात याद रखिएगा, इट इज मैकेनिकल प्रेशर गेज। अब देखिए, लिख लीजिएगा, ये लाइन भी लिख लीजिएगा डियर, इट इज मैकेनिकल प्रेशर गेज। ये कैसा है, तो मैकेनिकल प्रेशर गेज है, मैकेनिकल प्रेशर गेज है डियर। अब देखिए, इसका यदि आप इसका वर्किंग के बारे में समझे, आखिर कैसे वर्क करता होगा, तो डियर ध्यान से देखिए, ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है ना,
ये शेप सी जैसा शेप नज़र आ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो थ्रेड्स बने हैं, ये थ्रेड्स इसलिए बने हैं कि इसको टाइट करना पड़ता है डियर बॉयलर में। अब टाइट करेंगे तब ना यहाँ पे ये जो थ्रेड्स बना हुआ है ना, इसके थ्रू वहाँ पे टाइट कर दिया जाता है। और टाइट करने के बाद देखिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये दिख रहा है एक्चुअली में डियर, जो आपको बाहर से दिखेगा ना ये क्या होता है, राउंड सा एक ये में होता है, आपका ग्लास लगा होता है, ग्लास में सिर्फ आपको पॉइंटर नज़र आएगा, देख रहे हैं ना जो घड़ी का आपका पॉइंटर होता है उस टाइप से आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, और स्केलिंग बना हुआ है तो सिर्फ यही आपको दिखेगा, ये सब ट्यूब वगैरह नहीं दिखेगा, ये इंटरनली आप यदि ओपन करेंगे उसको पार्ट बाय पार्ट तब चीजें ये दिख पाएगा डियर। तो खैर इसको हमको बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग दिखाना था तो इसीलिए इसको हम ओपन वाला बनाए, ठीक है, क्लोज वाला नहीं, कि जिसमें सीसर पॉइंटर दिखता तो आप समझ नहीं पाते चीजों को, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो ये आपका थ्रेड कटा हुआ है, इसको थ्रू टाइट कर देंगे। अब ये बात याद रहे कि जो जितना भी ये दिख रहा है ये कुछ और नहीं है, एक ट्यूब है डियर, एक ट्यूब है ना, जो ब्रास का जनरली बना हुआ होता है ट्यूब, तो एक ट्यूब होता है डियर ये। अब देखिए ये इतना पोर्शन स्टेशनरी होता है डियर, जैसा कि लिखा हुआ भी है, ये पोर्शन आपका स्टेशनरी होता है, इधर वाला पोर्शन आपका मूवेबल होता है ना, जो ब्रास का, ये पोर्शन ब्रास का नहीं होता डियर, देखिए इधर लिखे हैं हॉलो पाइप या ट्यूब ब्रास का, ये वाला पोर्शन ब्रास का होता है डियर। अब यहाँ पे भी थ्रेड जैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी थ्रेड जैसा, यहाँ से आपका ये टाइट क्या हो रहा था, यहाँ से ये टाइट क्या हो रहा था, ऐसा समझे। अब क्या होगा, कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले यहाँ जब आप टाइट करेंगे, जैसे जैसे बॉयलर का प्रेशर बढ़ेगा डियर, जैसे जैसे बॉयलर का प्रेशर बढ़ेगा, आप समझ पा रहे हैं ना, बॉयलर का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, तो बॉयलर का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस वजह से साइड हो गए हैं, ताकि आप इसको जो है एक बार आप पॉज करके अच्छे से आप लिख लेंगे, ठीक है डियर, अच्छे से एक बार पॉज करके इसको आप, और अच्छा ये रिजोल्यूशन में करने के बाद लिख लेंगे आप इसको अच्छे से। देखिए जैसे जैसे बॉयलर का प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर देखिए ट्यूब है ना, तो बॉयलर का प्रेशर आने की कहिए स्टीम इंटर्स इससे करेगा, है ना, स्टीम इंटर करेगा, और स्टीम जो होगा वो कैसे होगा, तो एट बॉयलर प्रेशर, बॉयलर के प्रेशर में स्टीम होगा, जब बॉयलर के प्रेशर में स्टीम होगा डियर वो हाई प्रेशर होता है डियर, ठीक है ना, सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी होता है डियर, क्रिटिकल प्रेशर 221 बार होता है वाटर का डियर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर के लिए। तो खैर स्टीम इंटर से करेगा, जब इसमें इंटर करेगा डियर, तो इंटर करने के टाइम मान लीजिए कि इंटर कर रहा है हाई प्रेशर में, ये तो आपका सी टाइप का है, तो क्या करेगा ना कि सी को जो है वो ब्रास का जो बना हुआ है फ्लेक्सिबल मटेरियल है, तो इसको स्ट्रेट करना चाहेगा, बात को समझिए, देखिए सी है, इसको स्ट्रेट करना चाहेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एक मोड़ा हुआ चीज़ है, उसमें एयर फिल कीजिए, आप समझने के लिए, बैलून ना, बचपन में आप बैलून देखे होंगे डियर, एक लंबा वाला बैलून मिलता था ना, जिसमें एयर फिल करते जाता था, धीरे धीरे वो स्ट्रेट होते जाता था, फिर उसको मोड़ करके बांध देता था, आप बिल्कुल भी है ना बचपन में ऐसा देखे होंगे, खेले होंगे आप, तो वैसा ही आप समझिए डियर। तो क्या होगा, ये मुड़ा हुआ तो स्टार्टिंग में रहेगा इनिशियल पोजीशन में, लेकिन ये स्ट्रेट करना चाहेगा, जब प्रेशर जाएगा तो स्ट्रेट करना चाहेगा, तो देखिए ये सी जो है वो सी स्ट्रेट होना चाहेगा, मतलब सी फैलना चाहेगा, ये सी सीधा होगा, मतलब सी जो है सी शेप जो दिख रहा है वो सीधा होना चाहेगा, तो स्ट्रेट होना चाहेगा डियर। उसी टाइम एक लीवर से एक लिंक कनेक्टेड होता है, पाइवोटेड होता है, पाइवोटेड का मतलब हुआ कि ये देखिए इस टाइप से मूव करेगा, पाइवोटेड मतलब होता है पिन ज्वाइंट, वेल्डिंग नहीं किया हुआ, यहाँ पिन लगा हुआ ताकि ये मूव कर सके, तो ये पाइवोटेड होता है लिंक डियर इससे, है ना, और इससे फिर एक आपका सेक्टर कनेक्टेड होता है, सेक्टर कंटेन करता है देखिए गियर, सेक्टर क्या कंटेन करता है, गियर अपना। अब देखिए इस टाइप से चीजें को ऑर्म गियर सुने होंगे, या रैक एंड पिनियन, अब देखिए रैक एंड पिनियन ही आपको दिखाते हैं, देखिए डियर समझने के लिए आप इतना ही समझे, ये आपका एक इसको बोलते हैं डियर, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं पिनियन जो होता है ना डियर, यहाँ पे हम बना दिए हैं रफली, अब बगल में बना है, और इसको बोलते हैं गियर। पिनियन जो होता है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट, ऐसा कहा गया है, ये स्मॉलेस्ट गियर इज कॉल्ड पिनियन, पिनियन एक अलग सा कोई चीज़ नहीं है डियर, वो गियर ही है, गियर का थ्रेड ही होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट गियर इज कॉल्ड पिनियन, और यहाँ पे पिनियन और गियर का अरेंजमेंट है, तो गियर जो होता है ना ये यहाँ पे गियर, इसको एक्चुअली में गियर को जो बोला जाता है ना डियर, इस गियर को, इसको बोला जाता है रैक, RACK। तो देखिए आपका ये जो है इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप बेहतर होगा कि आप ऐसे लिख दें डियर इसको, कि पिनियन बोल दें या फिर इसी को बोल दें गियर, ठीक है, और इसका जो नाम लिख देना वो ज़्यादा अच्छा नाम होगा, गियर से बेहतर होगा
किसका नाम रैक लिख दे, आर ए सी के। देखिए रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट होता है, रैक जो होता है रैक उसको बोलते हैं डियर, रैक आपका थ्योरी मशीन में आप सीखेंगे, रैक उसको बोलते हैं जो जिसका डायमीटर इनफाइनाइट हो, ऐसा गियर जिसका इनफाइनाइट डायमीटर हो। सोचिए जब इनफाइनाइट डायमीटर होगा तो स्ट्रेट नज़र आएगा, इसीलिए स्ट्रेट दिख रहा है, इसीलिए स्ट्रेट दिख रहा है। रैक कैसा होता है, स्ट्रेट, दिख रहे हैं ना स्ट्रेट। आप कहेंगे तरीके गियर का मतलब आज तक सोचते आ रहे थे गोल होता होगा, राउंड होता होगा, डियर से ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए एक रैक आपका है, ये भी क्या है, एक गियर ही है, लेकिन ये ऐसा गियर है जिसके पास जो डायमीटर है वो इनफाइनाइट है डायमीटर। जब भी किसी का इनफाइनाइट डायमीटर होगा, एक छोटा सा टुकड़ा काट के आपके हाथ में देंगे तो आपको बोलेंगे कहाँ से इसको काट के लाया, पहचान नहीं पाएंगे कि इनफाइनाइट डायमीटर का एक सर्कल से आर्क काट के लाए हैं, आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट डायमीटर का एक सर्कल होगा ना, तो छोटा सा टुकड़ा जो है आपको स्ट्रेट नज़र आएगा डियर, स्ट्रेट नज़र आएगा। खैर आप समझते हैं बच्चे। खैर देखिए तो यही अरेंजमेंट है, लिंक से कनेक्टेड आपका रैक है, और रैक जो है वो मेसिंग में है डियर। मेसिंग का मतलब जैसे दोनों एक साथ मूव करेगा, रैक मूव करेगा पिनियन को मूव करवा देगा, ऐसा मेसिंग। मेसिंग मतलब मैटिंग में है, MATING, मैटिंग में, दोनों एक दूसरे के संपर्क में, ये समझिए, एक दूसरे से अलग नहीं है। उसके बाद एक पिनियन है जिसको पिनियन या फिर गियर बोलिए, स्मॉलेस्ट गियर इज कॉल्ड पिनियन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये स्ट्रेट होना चाह रहा है उस टाइम का बात है, जैसे ये सीधा ऐसे से सीधा होना चाहेगा तो लिंक में भी अफेक्ट आएगा, और लिंक जो सेक्टर से अटैच्ड है, सेक्टर कंटेंस आपका रैक, और रैक फिर मेसिंग में है पिनियन का, मतलब स्ट्रेट होने के टाइम सारे में मूवमेंट आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो पिनियन में भी यानी पिनियन या फिर गियर में भी मोशन आएगा, और पिनियन के सेंटर से एक पॉइंटर कनेक्ट कर दिया जाता है डियर, पॉइंटर, और पॉइंटर में बगल में स्केल बना हुआ होता है। अब आप इसको समझिए, जब स्ट्रेट होना चाहेगा तो स्केल जो है ऊपर के तरफ शिफ्ट करेगा डियर, समझिए। ये ना ये देखिए क्या होगा, ये जब आपका कहाँ जाएगा, ये नीचे के तरफ मूव करेगा सेक्टर, जब ये नीचे के तरफ मूव करेगा पिनियन घूरेगा, उल्टा घूमेगा और आपका ऊपर के तरफ शिफ्ट करेगा। तो पिनियन जब आपका पॉइंटर ऊपर के तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब क्या इंडिकेट करेगा, ज़्यादा प्रेशर को इंडिकेट करेगा, ज़्यादा प्रेशर को, तो उसी के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है डियर। और जो आपका स्केल में है, स्केल में उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके इसमें मार्किंग किया जाता है कि इतना प्रेशर को क्या, कितना प्रेशर बोला जाए, इस तरीके से मार्किंग होता है। वहां से आप पहचान पाते हैं कि हाँ स्केल में देख करके हाँ इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है बॉयलर के अंदर। यदि कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा तो उसको रिलीज कर लिया जाता है प्रेशर को, और विद इन कैपेसिटी, चूंकि एक सेफ्टी वॉल्व भी होता है लगा हुआ, विद स्टैंडिंग कैपेसिटी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यूअस रीडिंग का जरूरत है डियर। कंटिन्यू अचानक आप रीडिंग नहीं, ये कंटिन्यू बॉयलर के में लगा ही हुआ रहता है, ये ऐसा नहीं कि जब जाएंगे चेक करने तब देखेंगे इसको थ्रेड के थ्रू मतलब लगा करके, ऐसा नहीं है। जब खराब होगा ना तब इसको आप खोलेंगे, इसीलिए उसके साथ वेल्डिंग नहीं किया रहता है, एक थ्रेडेड ये होता है, आप टाइट करके इसको है ना, जैसे बोल्ट को टाइट करते हैं वैसे ही टाइट उसमें टाइट कर लिया जाता है, एयर टाइट बिल्कुल भी होता है डियर, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस आपको आप देख ही जाइएगा, हाँ एज एन इंजीनियर आप देखेंगे हाँ बॉयलर में प्रेशर इतना है, विद स्टैंडिंग इतना है, विद इन विद स्टैंडिंग है, ओके इट्स ओके, ठीक है। तो आप इस तरीके से वर्क करते हैं डियर, वर्किंग समझ में आया। ये क्या होगा, बॉयलर के प्रेशर की वजह से जो आपका ये हॉलो पाइप ट्यूब है, ये क्या क्या करता है, ये स्ट्रेट होना चाहता है ना, गेट्स स्ट्रेटेंड, यानी स्ट्रेट होना चाहता है, और ड्यूरिंग स्ट्रेट ऑफ द ट्यूब, जब ये स्ट्रेट होना चाहता है, सारे एक दूसरे के लिंक में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपका क्या होता है, पिनियन में भी अफेक्ट आता है, यानी पिनियन भी मूव करना स्टार्ट करता है, पिनियन गेट्स स्टार्ट टू मूव, ओके पिनियन गेट्स स्टार्ट टू मूव, एंड फर्दर इट ट्रांसमिट इट्स मोशन टू द पॉइंटर, सो द पॉइंटर गेट्स रीडिंग ऑन द स्केल, ओके। पॉइंटर कहाँ पे रीडिंग देता है आपको, तो स्केल पे आपको रीडिंग देता है, जिस स्केल को आप नोट डाउन करते हैं। देखिए उसी टाइप से वर्किंग यहाँ पे लिख चुके हैं डियर, इसको आप अच्छे से रीडिंग रीड करेंगे, लिख लेंगे अच्छे से, ये जनरली बॉयलर के केस में यूज करते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए एक बात डियर, ज़्यादा प्रेशर होगा, आप रिलेशन को समझिएगा, ज़्यादा प्रेशर होगा पिनियन का मूवमेंट, ज़्यादा प्रेशर होगा तो स्ट्रेट करना ज़्यादा कोशिश करेगा, है ना, तो स्ट्रेट ज़्यादा होने का चांसेस बनेगा, चांसेस ऑफ स्ट्रेटेड इज मोर, यानी अब देखिए एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं डियर, मोर प्रेशर, देखिए
मोर प्रेशर तो क्या होगा, मोर टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेटनिंग है ना, मोर स्ट्रेटनिंग क्या होगा दिया, देखिए मोर प्रेशर तो मोर टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेटनिंग, मोर मोर टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेटनिंग। अब मोर टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेटनिंग का मतलब क्या हुआ डियर, जब ज़्यादा टेंडेंसी होगा स्ट्रेटनिंग का, कहने का मतलब कि ट्यूब कौन कौन किसका टेंडेंसी, किसका स्ट्रेट होने का टेंडेंसी डियर, ट्यूब का, डियर ट्यूब का। मोर प्रेशर तो किसका डियर, बॉयलर का, बॉयलर का प्रेशर, बॉयलर का प्रेशर का हम बात कर रहे हैं। तो ट्यूब का टेंडेंसी जो स्ट्रेटनिंग का होगा वो ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा स्ट्रेटनिंग होगा तो मोर टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ पिनियन, मोर टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट, ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर लिख दें डायरेक्ट दियर, ऑफ पॉइंटर, इसका मतलब होगा मोर रीडिंग इज ऑब्टेंड, मोर रीडिंग इज ऑब्टेंड। देखिए ये बात को आप शॉर्टकट याद रखिएगा, चीज़ें समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ज़्यादा प्रेशर होगा बॉयलर का तो ज़्यादा स्ट्रेट होना चाहेगा, तो ज़्यादा टेंडेंसी होगा मूवमेंट का पॉइंटर का, तो रीडिंग भी ज़्यादा आप ऑब्टेंड कर पाएंगे, यानी रीडिंग जो दिखाएगा वो ज़्यादा दिखाएगा स्केल पे, रीडिंग कहाँ पे होगा डियर, स्केल पे होगा। बात समझ में रहे प्यारे बच्चे, तो इसको अच्छे से एकदम बढ़िया से बनाएंगे और इस चीज़ को पूरे वर्किंग को लिखेंगे, कुछ खास वर्किंग नहीं है डियर, सबसे पहले प्रेशर गया फिर सारा एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करना चाहता है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं डियर। तो ये बर्डन प्रेशर ये छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक आपका कवर कर लिया है डियर। अब इसके बाद जो है वो हम लोग कुछ और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, बहुत सारी चीज़ें को करेंगे डियर फ्लूड मैकेनिक्स में। तो आप ऐसे ही बहुत ही बढ़िया से मुस्कुराते हुए मज़ा लेकर के चीज़ों को पढ़ें, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ना ले चीज़ों को डियर, स्ट्रेस ना ले, चूँकि हम हैं आपको ज़रूर बताएंगे डियर, कैसे भी करके हम आपको सिखाएंगे ही डियर, सिखाएंगे। आप सिर्फ एक अपना पेशेंस बनाए रखें, है ना, पेशेंस बनाए रखें कि ठीक है हमको समझ में आएगा ही, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ें 20 बार पढ़ें, पढ़ते ही रहें डियर, पढ़ते ही रहें, पूछते ही रहें, ये सीखने का टेंडेंसी होता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार में सीख जाएंगे, हो सकता है आप 4 बार में ही सीख पाएँ, कोई बच्चा एक बार में ही सीखे, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम ध्यान मन से खूब पढ़ना है और सीखना है डियर। सो डियर ये लेक्चर इतना ही तक रहेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट।